Assam cannons. We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammed Ali Shah. Great salute to President Major Mohammed Ali Shah, Sentinels of the Northeast. They have won 3 short jumpers. कि फौज के बाद ये एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कैसे काटा आपको, क्या वो वजह थी, क्या वो ख्याल था जो आपने एक्टर बनने की सोची? खैर ये फौज के बाद नहीं, ये फौज से काफ़ी टाइम पहले का है। ये जब मैं बचपन में 5 साल का था, मैंने अपना पहला प्ले किया था, पहली मरतबा मैं रंगमंच पे गया और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे को बड़े होके एक्टिंग ही करनी है। खैर मेरा दाखिला नहीं हो पाया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2 मरतबा, उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दाखिला नहीं हो पाया मेरा। फिर मैं सोचा मैं फ़ौज में क्यों ना जाऊँ, 5 साल करूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहाँ पे डिसिप्लिन और देशभक्ति और देश सेवा के अलावा आपको क्या सीखने को मिलेगा एज एन एक्टर? मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैरा ट्रूपिंग, कमांडो ट्रेनिंग, जो कि एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। रिगार्डिंग एक्टिंग, तो हमारे ख़ानदान में ही हमारे घर में एक इंस्टीट्यूशन है, मैं सोचा मैं सीख सकता हूँ उसके साथ, थिएटर करके, थिएटर वर्कशॉप्स करके, एक्टिंग के बारे में जिक्र करके वो बतलाएंगे क्या किताबें पढ़नी हैं, क्या फिल्में देखनी हैं, कौन से नाटक देखने हैं, किन किन से मिलना है। लेकिन मेरे में एक्स्ट्रा क्या है उसके अलावा जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो ये ख्याल तो शुरू से ही था फौज में आने से पहले और वो ख्याल अब तक बरकरार है। थिएटर, फिल्म, लेकिन थिएटर मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ किया है, नसीरुद्दीन शाह साहब, टॉम वॉल्टर साहब, डॉक्टर सईद आलम के साथ मैंने उर्दू में किया है, इंग्लिश में किया है, हिंदी में किया है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये थी कि आज से 1.5 साल पहले मैंने सोचा कि मैं ख़ुद का अपना एक मोनोलॉग इख्तियार करता हूँ। तो मैंने अपने पैसे लगाए, थिएटर बुक करा, पब्लिसिटी करी, पैसे खर्च करे, पोस्टर छपवाए, मैंने अपने हाथों से जाके बड़े बड़े थिएटरों के बाहर, बड़े बड़े जहाँ पे पब्लिक आती है वहाँ जाके चिपकाए, कीले ठोकी इस पोस्टर में, व्हाट्सएप किए लोगों को, फेसबुक किया, फ़ोन किए लोगों को कि मेरी परफॉर्मेंस है इस तारीख को, कॉम्प्लीमेंट्री शो रखा बिना टिकट के, आप ज़रूर आएगा मेरा प्ले देखने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत निराशा की बात होती है, दिल तोड़ देने वाली बात होती है कि जब फाइनल उसकी ओपनिंग थी केवल कुल मिला के 7 लोग आए वो प्ले देखने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने परफॉर्म किया, मैंने 7 लोगों के सामने परफॉर्म किया, जो कि 3.5 घंटे की सोलो परफॉर्मेंस थी। मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही सोलो और लीड एक्टर। उन 7 लोगों को देख के आपकी हिम्मत नहीं टूटी? खैर हिम्मत तो नहीं टूटी, लेकिन हाँ निराशा ज़रूर हुई थी कि भाई इतना खर्चा किया है, इतनी उम्मीदों से मैंने ये प्ले तैयार कर रहा हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत वहाँ पर हार नहीं मानी, क्योंकि अगला शो था 10 दिन के बाद और यहाँ पे मैंने कोई खर्चा नहीं किया पब्लिसिटी करने में, इन्वेस्टमेंट नहीं करी। जिसको आना है भाई वो आएगा, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, बैड आइडिया सोच के मैं इसको शायद और कुछ तैयार करूँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले शो पे जो टिकटेड शो था, जो सिर्फ 200 रुपये टिकट था, मैं खैर 200 रुपये ही बहुत होते हैं मैं मानता हूँ, ऐसा मेहनत की कमाई होती है, हाउस फुल गया और मैंने बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं करी। वही 7 लोगों ने बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों को बताया, सोशल मीडिया पे लगाया, लोग आए और क्योंकि वो 7 लोग दे गेव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन, वो खड़े हो गए थे, उन्होंने बोला उन्होंने आज तक नहीं देखा 3.5 घंटे की परफॉर्मेंस और मैं अपने सभा बांध रखी थी, ऐसा उनका कहना था। मुझे लगा उनकी ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी उन्होंने, कोई ऐसा कुछ खास था नहीं, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। लेकिन अगले शो में जब हाउसफुल गया और उसके बाद आज की तारीख तक कोई भी ऐसा शो नहीं है जहाँ हाउसफुल नहीं गया हो उसका। और इस प्ले को मैं दिल्ली से लेके, कलकत्ते से लेके, हैदराबाद से लेके, बम्बई से लेके, विदेश गल्फ में हम कुवैत में परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ के जो शेख लोग थे रॉयल फैमिली के, वो लोग आए मेरे पास इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में और बोलते हैं वी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वर डूइंग, हमें समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे थे, बट बाय द वे यू वर डूइंग इट वी कुड से समथिंग वेरी नाइस, मगर जिस तरीके से आप कर रहे थे
हम ये जरूर कह रहे थे इट मींस आपने विदेशी धरती पे भी इंगेज कर लिया दर्शकों। बिल्कुल, ये तो एम था मेरा, क्योंकि जिस तरीके से आपने किया, आपने बहुत अच्छा किया, तो मेरे ये हौसला अफजाई हुई, बहुत हौसला बढ़ा। आखिरी शो मैंने किया था हैदराबाद में होटल ट्राइडेंट में, और भाई एक टिकट बिका है 5,000 रुपये का, और 2 घंटे में बुक माई शो पे हाउसफुल हो गया था ये। तो वही प्ले जिसका 1-1.5 साल पहले लोग फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आने को तैयार नहीं थे, आज 1-1.5 साल की जर्नी के बाद 5,000 का टिकट बिकता है एक। इसका मत ये है, साफ बात है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो आपको ज़्यादा पब्लिसिटी या मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कितनी मार्केटिंग पब्लिसिटी कर लें, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जाना माना नहीं है, तो शायद नहीं बिकेगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उसमें दम है, तो आपको पब्लिसिटी या प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग जो इस्तेमाल कर चुके हैं वो प्रोडक्ट, वो इस्तेमाल, वो इसकी पब्लिसिटी करेंगे। क्योंकि मैं MBA मैनेजमेंट करके आया था IIM से, तो शायद मेरे को वो तरीका मालूम था इसको कैसे प्रमोट करना है, और वही मैंने किया। ग्रेट मेजर, आपके तो चाचा हैं मिस्टर नसरुद्दीन शाह, जो कि बहुत सम्मानित और वर्सेटाइल और बहुत बड़े एक्टर हैं अपने आप में। उनसे तो आपको बहुत हिम्मत, बहुत हेल्प मिली होगी इंडस्ट्री में आने के लिए। जी, अलामा इकबाल का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देख, कोई भी फिल्म मेकर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे लगाता है, किसी के नाम के पीछे नहीं, ये लोगों का भ्रम है। कोई भी मेरे को रोल नहीं देगा क्योंकि मैं नसीर साहब का भतीजा हूँ, वो मेरी काबिलियत देखेंगे पहले, क्या इसमें वो बात है, क्या इसमें वो दम है, क्या ये इस रोल को जस्टिफाई कर पाएगा, तभी वो रोल मिलेगा मेरे को। तो ये लोगों का भ्रम है कि भाई इस ख़ानदान से आए हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, कुछ दरवाजे ज़रूर खुल पाएंगे, लेकिन बस वहीं तक। कोई भी रिलेशन आपको एक किसी पॉइंट तक ले आ सकता है, उसके आगे उसके बियॉन्ड तो आपकी खुद की काबिलियत है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जनता ही हीरो बनाती है, जनता ही बेशक अपने प्यार से आगे बढ़ाती है। बेशक, अब वही बात एक बात है नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में, जरूरी नहीं है अगर आप प्रधानमंत्री के बेटे हो तो आप ही प्रधानमंत्री बनोगे। अगर आप पे वो बात है आप ज़रूर बनोगे, अगर आप पे वो बात नहीं है तो आप कितने भी कोशिश कर पाओ आप नहीं बन पाओगे। वही बड़ी बात है कि आप सबसे बड़े मेगा सुपरस्टार के बेटे हो तो आप भी उतने ही बड़े बनोगे या उनसे आगे जाओगे, ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर क्या बात है वो बहुत डिपेंड करता है। पास आउट हैं और आर्मी में आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप मेजर रहे, और गणतंत्र दिवस पर परेड में भी आपने लीड किया है, और शायद ही इतनी कम उम्र का मेजर कोई रहा होगा। उसके बावजूद आप तो बहुत अच्छी नौकरी कर सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे और भी तरीके से, यही एक्टिंग ही क्यों? देखिए, ये एक शौक की बात है, कई बार पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं होता। कई बार जो चीज़ आप चाहो टूट के दिल से करो, और अगर आप जो चीज़ आप कर रहे हो उसको करने में मज़ा आ रहा है ना, पैसा आपका पीछा करेगा, आप पैसे के पीछे नहीं करेंगे। आप नहीं जाएंगे यहाँ पे कमा लूँ मैं, ये नौकरी कर लूँ। इफ़ यू कैन मेक योर हॉबी योर प्रोफेशन, यू विल नेवर हैव टू डू अ हार्ड डेज वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जो काम करने मज़ा आएगा अब वो करेंगे आप जिंदगी भर, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लब बुलवा भी निकलता है कि मेजर को एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, ये कह सकते हैं कि आपका पहला प्यार एक्टिंग है। बेशक है। सब्सक्राइब करें नॉलेज प्लस टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।